इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा आज कि कोई भी पेन ड्राइव हो, कोई भी आपके एसडी कार्ड हो जो करप्टेड हो गया हो, बिगड़ गया हो, उसको आप कैसे आसानी से अपने लैपटॉप से ठीक कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे फॉर्मेट नहीं होते हैं तो आज मैं वही वीडियो बनाऊंगा आपको। ये मेरा पेन ड्राइव है और इसको मैं डाल देता हूँ और फिर देखो यहाँ पे एरर भी आ रहा है ना, ये एरर आया। फिर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ माय कंप्यूटर में कि ये क्या है। फिर मैं देखो ये मेरा यूएसबी ड्राइव है, पेन ड्राइव, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन भी नहीं हो रहा है ना। प्लीज़ इंसर्ट अ डिस्क इनटू यूएसबी ड्राइव, है ना। तो इसको हम फॉर्मेट मारेंगे, अभी देखते हैं इस नॉर्मल तरीके से इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट होते हैं या नहीं। यहाँ से मैं क्लिक किया राइट और फॉर्मेट पे क्लिक किया, और जैसे फॉर्मेट पे क्लिक किया यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया और इस पर हम ओके, तो वार्निंग आ रहा है ना। अभी देखो इस पर हम ओके कर देते हैं, है ना। फिर देखो यहाँ विंडोज़ वाज अनेबल कंप्लीट द फॉर्मेट, इसका मतलब ये विंडोज़ आपके सिस्टम को फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, कमांड में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अभी हम बताते हैं कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखो और हम क्या क्या करते हैं वो देखो। देखो ये यहाँ से फॉर्मेट होगा ही नहीं, ये करप्टेड है। तो अभी हम जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, है ना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट बटन आइकन को क्लिक करना है, स्पेस करना है, यहाँ पर सर्च करना है सीएमडी, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ओपन हो जाएगा, है ना। सिस्टम में यहाँ डिस्क पार्ट इंटर करेंगे, फिर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन आ जाएगा, फिर इसमें लिस्ट डिस्क फिर इंटर करेंगे। देखो ये हमारा डिस्क का स्टेटस आ गया, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, इसमें से आपकी कौन है। जैसे मेरा डिस्क 2 है, ऑनलाइन 1 GB का पेन ड्राइव है, मतलब 108 MB। तो देखो अभी सेलेक्ट डिस्क किया 2, है ना, फिर 2 डिस्क 2 सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको क्लीन करना है, क्लीन हो गया, है ना। अब हम इसको क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है, तो क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, है ना, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी हमको करना है, तो प्राइमरी करके इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे अब हमको क्या करना है, इसको एक्टिव करना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करो, आपको बिल्कुल, अगर आपको कोई किसी के लैपटॉप में आपको क्या होता है कि एक्टिव करने से पहले सिलेक्ट पार्टीशन करना होता है, तो सिलेक्ट हमें यहाँ नहीं करना पड़ेगा, तो आप चेक करें। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मेट का कमांड डालेंगे, फॉर्मेट fs इक्वल टू FAT32 और क्विक, फिर इंटर करेंगे, है ना। फिर देखो ये फॉर्मेट, अभी हम इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ पे देखो आ गया है ये सब, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखो मैंने जो जो कमांड डाले हैं बिल्कुल आप वैसे वैसे करते जाओ, है ना, देखो। और फिर हम अभी इसको एग्जिट करेंगे, वैसे ही हमें फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आराम से करो, आपका 100% काम आएगी, है ना। आपका यहाँ पे असाइन करना है, अभी असाइन कर दिया, जैसे ही असाइन किया देखो फॉर्मेट डिस्क स्टार्ट, है ना। अभी ओके पे करते हैं तो देखो फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया। अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं, है ना। देखो ये मेरा पेन ड्राइव का फोल्डर भी आ गया, अभी हम बाद में देखेंगे इसको, अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे एग्जिट हमें कर देना है, एक बार मैंने एग्जिट करके इंटर किया, फिर से अब एग्जिट कर देना है, यहाँ पे फिर से एग्जिट, है ना, इस सिस्टम को एग्जिट करना, या तो ऊपर से आप कट भी कर सकते हैं इसको। अब काम हो गया हमारा, फॉर्मेट एग्जिट कर दिया। अब देखते हैं अपने माई कंप्यूटर में जाके इसको बड़ा कर लेते हैं। फिर देखो USB ये मेरा रेडी हो गया, देखो अभी ओपन नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है, ये सिस्टम अभी काम कर रहा है। इसका प्रॉपर्टीज़ भी चेक करें, देखो इसका आ गया है, 1 GB का वो है पेन ड्राइव है। तो यही था दोस्तों, ऐसे आप करो, आपको 100% आपका पेन ड्राइव ठीक हो जाएगा, करप्टेड मेमोरी कार्ड हो, कुछ भी हो, सब हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे आप करोगे 100%।